أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم वकाल वकालत यहूद वकालत यहूद और कहा यहूदियों नेतिनारा आलाश कि यह नसारा कोई चीज़ नहीं है वकालत नसारा और नसारा ने कहा लईसतल यहूद वला शई यह यहूदी कोई चीज़ नहीं है यतलू नल किताब हालांकि वो किताब पढ़ते हैं कजाली का क़ाल लज़ीना इसी तरह कहा उन लोगों ने ला याम जो इलम नहीं रखते मिसल लिम उनकी बात की तरह उन्होंने भी बात कही फ़ल्ला बी नुम तो अल्लाह ताला फैसला करेगा उनके दरमियान कियामती यूम़्यामतीमत के दिन फ़ी माँ उन चीज़ों में कानू फ़ी ही यखताफ़ुन जिसमें वो इख्लाफ़ किया करते थे वमन अज़लाम मम और उस शख़्स से बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है मना अल्लाह जो रोकता है अल्लाह की मसाजिद से आज़ करो फ़ी हसम हो के जिक्र किया जाए उनमें अल्लाह के नाम का वसाफ ही और वो कोशिश करता है अल्लाह के घरों को बर्बाद करने की का माकाना कानूम इन लोगों को कोई हक नहीं था आई या कि वो इन मसाजिद में दाखिल होते इल्ला ख़ाइफी हाँ अगर आना भी था तो खौफ करते हुए आते लहुम फिल दुनिया ख़िजन इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है वलहुम फ़िल आखिरा और इनके लिए आखिरत में भी रुसवाई है आज़ाब नाज़ीम और आज़ाब आज़ीम है वलिलारक़ वल मग़रिब और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब फ तोल्लु तुम जिस तुम जिस जानिब भी मुँह करोगे फ़सम्ला उसी जानिब अल्लाह की रज़ा है इनम बेशक अल्लाह ताला तसात वाला भी है सब कुछ जानने वाला भी है वक़ालत वलदा और उन्होंने कहा कि बना लिया है अल्लाह ताला ने औलाद सुबहाना हालांकि अल्लाह की ज़ात ऐसी चीज़ों से पाक है बल्लहू बल्कि उसी के लिए है माफिस वल अर्ज, जो कुछ आसमान में और ज़मीन में है कुल्हू का नीतून सब उसी के फरमा बरदार हैं समावाती वल अर्ज, वो बग़ैर नमूने के आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है व ईज़ा खज़ा अमरन जब वो किसी मामले का फ़ैसला कर लेता है फ़ इन तो फिर यकीनी बात ये है यक़ोलहू वो उसके बारे में कहता है कुन हो जाकून तो वो चीज़ हो जाती है ये उन आयात का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की इन आयत का पिछली आयत के साथ रबत है पिछली आयत में था कि यहूदियों ने कहा कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे नसारा ईसाई कहने लगे कि जन्नत में सिर्फ और सिर्फ नसारा ईसाई जाएंगे आज की इन आयत में वो एक दूसरे के ऊपर तान और तशनी कर रहे हैं और ज़िद में आकर एक दूसरे के मज़हब को बातिल और कलदम करार दे रहे हैं जैसे कि आज के ज़माने में एक लीडर दूसरे लीडर को क्या कहता है ये झूठा है एक जमात दूसरी जमात को क्या कहती है ये झूठी जमात है जैसे आज के ज़माने में एक दूसरे को झूठा कहते हैं एक दूसरे को चोर कहते हैं बिल्कुल इसी तरह ये नसारा यहूदियों को कहने लगे यहूदी नसारा को कहने लगे एक दूसरे के मजाहिब के बारे में झूठा होने का फ़तवा लगाने लगे हालांकि असल के अतबार से यहूदियों का मज़हब भी सच्चा है ईसाइयों का मज़हब भी सच्चा है लेकिन उन्होंने अपने अपने मजाहिब में तब्दीलियाँ कर दी, तो अब ना यहूदी सच्चे हैं ना ईसाई सच्चे हैं वो कहते हैं वो सच्चा नहीं और वो कहते हैं ये सच्चा नहीं हम कहते हैं, तुम दोनों ही सच्चे हो तुम दोनों ही बेईमान और झूठे हो क्योंकि ना तुमने अपने मजहब को अपने हाल के ऊपर पहचाना और पूरी तरह से उसकी इतबा की और ना ईसाइयों ने ऐसा किया दोनों ने अपने अपने मज़ाहिब को मनमानी तशरीहात के साथ तब्दील कर लिया तो अब तुम दोनों ही सच्चे हो ना असल के अतबार से तो तुम एक दूसरे को झूठा कहते हो लेकिन मौकफ़ में तुम दोनों ही सच्चे हो यानी ईसाई भी झूठे हैं यहूदी भी झूठे हैं और यह बात मैं पिछले सबक में आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि यहूदियों को यहूदी क्यों कहा जाता है नसारा को नसारा क्यों कहा जाता है ये बात मैं पहले बयान कर चुका हूँ इसलिए इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है आपके जहन में ये बात होगी तो खैर अल्लाह ते बात फरमाई वक़ालतिल यहूद उईसति नसारा आलाशई यहूदियों ने कहा कि नसारा कोई चीज़ नहीं है यानी उनका मज़हब बिल्कुल झूठा और बातिल है अब आई नसारा की बारी कहने लगे वकालतिन नसारा लयिस यहूद आलाशई नसारा कहने लगे कि यहूदी कोई चीज़ नहीं यानी उनका मज़हब झूठा है अल्लाह ताला फरमाते हैं वहमयतलूनल किताब हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं यानी तौरात और इंजील की तिलावत करते हैं दोनों आसमानी किताबें हैं तौरात भी सच्ची किताब थी इंजील भी सच्ची किताब थी और अपने वक़्त के अतबार से उसी के ऊपर अमल करने में कामयाबी भी थी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तशरीफ़ ले आए तो ये मज़ाहिब मजाहब मनसूख हो गए इसकी मिसाल अगर इंसान ने बड़े वाज तौर पर समझनी हो तो यूँ समझी जा सकती है कि जब चांद और सितारे जग मगा रहे होते हैं लोग उनकी रोशनी से फायदा उठाते हैं चांद की रोशनी अपनी नहीं होती ना इतना तो आपके इलम में बात होगी सितारों की रोशनी अपनी नहीं है लेकिन जब चांद और सितारे ही आसमान के ऊपर मौजूद हैं तो लोग उन्हीं की रोशनी से फायदा उठाते हैं आज हम अगर फायदा ना उठाएं तो इससे चांद और सितारों से इनका कोई बुतलान लाजिम नहीं आता कि भाई ये किसी फ़ायदे की चीज़ें नहीं देहातों में जाएँ आज भी सफ़र चांद और तारों की रोशनी में होते हैं जहाँ पे लाइटें नहीं होती बिजली का वहाँ निज़ाम नहीं है हमारे इस मुल्क के अंदर कितना बड़ा इलाका ऐसा मौजूद है जहाँ रातों को चलने के लिए आपको चांद ही तलाश करना पड़ता है और माशाल्लाह अब तो शहरों की सूरत हाल भी ऐसी है लोग फंड लेते हैं और अपनी जेबों में डालते हैं गाड़ियाँ और बंगले ख़रीदते हैं और सड़कों के ऊपर रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती रातों को चलना सड़कों के ऊपर बड़ा दुश्वार हो जाता है शहरों की गहमा गहमी के अंदर रोशनियों का फिर चांद और सितारों की जो रोशनी है वो भी मान पड़नी शुरू हो जाती है फिर तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती लेकिन देहातों में जाएँ तो चांद और सितारों की रोशनी से आज भी लोग फ़ायदा उठाते हैं तो रात में लोग चाँद और सितारों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं लेकिन जब दिन तुलु होता है सूरज तुलु हो जाता है तो फिर ना चाँद की ज़रूरत है न तारों की ज़रूरत है अब सूरज तुलु हो चुका है तो पहले अम्बिया की मिसाल है सितारों की मानंद बड़ी तादाद में आए बहुत बड़ी तादाद में आए और नबी करीम अलैहि वसल्लम की मिसाल है सूरज की मानंद कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए सूरज तुलू हो गया अब चांद तारों की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही तो अब वो एक दूसरे के मज़हब को ज़िद और हट दर्मी की बुनियाद पर झूठा और बातिल कहने लगे एक तबका और भी आया अल्लाह ताला ने फरमाया कजाली का कौल लजीन अल्लाम एक तबका और भी है वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने इलम हासिल नहीं किया कहा उन्होंने भी इसी किस्म की बातें लेकिन उन लोगों के पास इलम नहीं था मिसला क़लिम उन्हीं की तरह की ये भी बातें किया करते थे ये अनपढ़ किस्म के लोग थे इलम से महरूम थे अरब के मुश्रक थे उन्होंने कहा हम सच्चे हैं हमारे अलावा सारे झूठे हैं हालाँकि सर से लेकर पाँव के आखिरी नाखून तक शिरक में डूबे हुए थे और अल्लाह ताला का वो घर जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया था उसकी बैरूनी दीवारों पर उन्होंने 360 बुत लटका के रखे हुए थे जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत भी था हज़रत इसमाईल आम का भी था हज़रत सलाम का भी था हज़रत मरियम सलाम के भी बुत थे और फिर गज़ब की बात ये है कि उन बुतों में असाफ़ और नायला के बुत भी मौजूद थे असाफ मर्द का नाम है नायला औरत थी इनके आपस में बुरे ताल्लुक थे नाजायज़ तल्लुक थे अब उनको अपनी ख़्वाहिशात पूरी करने के लिए जब कोई और जगह नहीं मिली तो उस ज़माने में लोग थोड़े होते थे रातों को जब लोग अपने घरों में चले जाते थे तो काबतुल्ला ख़ाली होता था तो उन्होंने अल्लाह के घर के अंदर बदकारी की अल्लाह ने उनको पत्थर बना दिया शक्लें वही रहीं मगर पत्थर में तब्दील हो गए लोगों ने उनको इबरत के लिए वहीं खड़ा कर दिया कि लोग इसे सबक हासिल करें कि काबतुल्ला में बुराई का ये अंजाम होता है मगर कुछ अर्सा के गुज़रने के बाद लोगों ने उनकी भी पूजा शुरू कर दी उनके नज़दीक वो भी मोहतरम हो गए इस किस्म के ये अफ़रा थे और फिर मुशरक़ी ने मक् के यहाँ जो सबसे बड़ा मोहतरम मुजस्मा और बुध था वो हुबुल था आपने भी कहीं ना कहीं किताब में इसका नाम व तस्करा पढ़ा होगा और ये हुबुल उन्होंने हज़रत हाबील सलाम के नाम पर बनाया था जो हजरत आदम के मज़लूम शहीद बेटे हैं जिसे काबिल ने कत्ल किया था तो उन जालिमों ने अल्लाह ताला के घर को शिर्क के साथ भरा हुआ था इसके बावजूद वो कहते कि हम सच्चे हैं बाकी सब झूठे है। हैं अल्लाह फल्लाहु फल्ला बैनहुम अल्लाह फैसला करेगा उनके दरमियान योम क़याम क़यामत के दिन फ़ीमा कानू फ़ी ही यख्लीफोन उन चीज़ों में जिनमें वो इख्तलाफ़ किया करते थे ये अमली फ़ैसला होगा कल क़यामत के दिन कि सच्चे लोग जन्नत में जाएँगे झूठे लोग दो में जाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है दलाइल के अतबार से आज भी फ़ैसला हो चुका है कि हक क्या है और बातिल क्या है ये बात समझने की आप कोशिश करें दीन इस्लाम दलाइल की बुनियाद पर आज भी अपनी हकानियत को साबित कर चुका है दलाइल की दुनिया में कोई दीन इस्लाम को ललकार नहीं सकता दलाइल की बुनियाद पर फैसला हो चुका है कि यही दीन इस्लाम बरहक और सच्चा दीन है इसके बातिल होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता लेकिन इसके बावजूद लोग इस दीन को कबूल न करें तो जिद है हसद है इनाद है बुग्ज है कीना है इलम से माहरूमी है जिहालत है फिर भी बात ना माने तो कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला ने अमली तौर पर फैसला करना है कि नेक लोग जन्नत में जाएंगे झूठे लोग दोजख में जाएंगे वाजे तौर पर फर्क हो जाना है कि ये लोग बेईमान थे और ये लोग ईमान वाले हैं और अल्लाह त अपनी इन आयत में जो दुनिया के अंदर ज़ाहरी तौर पर फर्क बयान किया है ना समझने के लिए समझाने के लिए बातिल पर होने के बावजूद वो इस कदर जिद्दी और इनादी हैं कि अल्लाह की मखलूक को इबादत करने से रोकते हैं ये ज़ाहरी तौर पर फ़र्क है कि जो आपको अल्लाह की मसाजिद में इबादत करने से रोके वो कल को दोजखी है दोजख़ में जाने वाला है और ये तबकात जिनका अल्लाह ताला ने तस्करा किया यहूदी ईसाई मुशरकिन ये सारे के सारे ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह की मखलूक को इबादत करने से रोकने वाले हैं इसी को अल्लाह ताला ने ताहरी फ़र्क के तौर पर इनायात में बयान किया अमन अजलमसाजल्ला और उस शख्स से बड़ा कौन ालिम हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों में इबादत करने से रोकता है आई के अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह की उन मसाजिद में वसाफी खराबी हा और वो कोशिश करते हैं अल्लाह के घरों को बर्बाद करने की उलाई का मकान इन लोगों को कोई हक नहीं था आई यदु हा कि ये इन मस्जिदों में आते इल्ला ख़ाइफिन मगर खौफ करते हुए अल्लाह से डरते हुए इन मसाजिद में आते लेकिन ये आज बदमाशी करते हुए आते हैं इन आयत में अल्लाह ताला ने तीनों तबक़ात की जानिब इशारा किया है बात याद रखें यहूदियों की जानिब भी ईसाइयों की जानिब भी मुशरक़ीन की जानिब भी नबी करीम अलैहि वसल्लम हिजरत के छठे साल ुल्कदा के महीने में तकरीबन पंद्रह सौ सहाबाई कराम के साथ उम्रा के लिए रवाना हुए अभी हज फर्ज नहीं हुआ था हज नौ हिजरी में जाके फ़र्ज हुआ है नबी करीम अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्का मुकरमा की जानब जा रहे हैं उदैबिया के मकाम पे पहुँचे रुके पड़ाओ डाला आज उसका नाम शुमसा है उदैबिया को आज के ज़माने में शुमसा कहा जाता है आज मक़ा मक्रमा की हदूद के अंदर वह दाखिल है तो मुशरकिन ने मज़ामत की और कहा कि हम तुम्हें मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होने देंगे बावजूद इसके कि उनको यकीन था कि ये लोग लड़ने के लिए नहीं आ रहे उम्रा करने के लिए आ रहे हैं कई दिनों तक बासों में होता रहा सफ़ीर आते रहे कासिद आते रहे जाते रहे लेकिन उम्र नहीं करने दिया फिर अगले साल हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र तो किया है तो अल्लाह ताली फरमाते हैं इन मुशरकिन मक्का से बड़ा जालिम कौन है जिन्होंने अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह वालों को आने से रोक दिया कि वो अल्लाह वाले इसलिए आना चाहते थे कि वो आकर अल्लाह की इबादत करें लेकिन मुशरिकीन ने रोक दिया इन लोगों को कोई हक नहीं था कि ये उनको मस्जिद में आने से मना करते लेकिन इन्होंने ऐसा किया इसलिए ये तबका ऐसा है जो कल कयामत के दिन दोजख में जाने वाला है ये जाहिरी फर्क अल्लाह ने दुनिया के लिए बयान किया है कि जिसने भी अल्लाह की मस्जिद में आने से मना किया ईमान वालों को अल्लाह वालों को अल्लाह की इबादत के लिए जो आना चाहते थे वह दोजी तबका है वो झूठा और बेईमान है बेशक वह दूसरों को झूठा कहता रहे लेकिन वह खुद बेईमान है और फिर इसी आयत से मा ने यह बात भी बयान की है आप तफासिर उठाएँ कि नबी करीम सल वसलम की विलादत से पहले रोम का एक बादशाह था जिसका नाम तीतस लिखा है बाज़ों ने और बाजों ने तीताउस लिखा है दो त आती हैं उसमें ईसाइयों ने उस बादशाह के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा पर हमला किया और जितने यहूदी उस वक़्त नमाज पढ़ रहे थे दीने हक़ पर थे उनको कत्ल किया गया मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाकों में इतना तूफान खड़ा किया गया इतनी कत्ल वारत की कि तारीख बतलाती है कि गलियों में इतना खून था कि घोड़ों के घुटने खून के अंदर डूबे हुए थे तो ईसाइयों ने यहूदियों का कत्ल आम किया अल्लाह की मस्जिद में कत्ल आम किया वहां पर आने से मना करने के लिए उन्होंने आम किया तो इनसे बड़ा कोई और जालिम हो सकता है इसलिए ये लोग भी झूठे हैं ये लोग भी बेईमान हैं इसलिए कि उस जमाने में यहूदियत हक मजहब था तो ईसाइयों ने जालिमों के साथ मिलकर यहूदियों का कत्लेम किया तो इन नसारा से बड़ा फिर कोई जालिम नहीं था यह भी बेईमान तबका है कि जिन्होंने अल्लाह वालों को मस्जिद में आने से रोका मस्जिद को अल्लाह वालों के खून से रंगीन किया इबादत से मना किया इसलिए यह तबका भी झूठा और बेईमान है कल क्यामत के दिन इस तबके ने भी दो में जाना है और फिर इसी आयत के जिमन में अगर मैं ये बात आज करूं आज यहूदियों ने मुसलमानों का कत्ल आम किया और उनको मस्जिद में आने से मना किया उनका कत्ल आम किया उनको ईजा पहुंचाई अल्लाह के घर में इबादत करने से उनको मना किया रुकावटें डाली इन यहूदियों से बड़ा भी कोई जालिम और बेईमान नहीं है तो इस आयत के जिमन में तीनों तबकात जिनका अल्लाह ताला ने ऊपर तस्करा किया इस आयत में ये तीनों तबकात मुराद हैं अल्लाह ने ऊपर खामखा ऐसे तस्करा नहीं कर दिया तीन तबकात का तबका तस्करा तो तीन तबकात का चल रहा हो और मुराद एक तबका हो मना ममसाजिदल्ला से नहीं जिन तीन झूठे तबकात के ऊपर तस्करा चल रहा है इस आय से वो तीनों झूठे किस्म के तबकात मुराद हैं इनके लिए अल्लाह ताला तहम फिल दुनिया खिजुन दुनिया में भी रसोई रखी है व लहम फिल आखिरत अज़ाब नाजीम इन लिए आख़रत में भी बड़ा दर्दनाक किस्म का अजाब है समझ में आई बात अब यहाँ एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ ज़रा वो भी समझ लें इस आयत से ये बात भी समझ में आई अहले बिदत ने युज़ करफी हसमहू का मतलब ये समझा कि मस्जिदों में बुलंद आवाज़ से अल्लाह का ज़िक्र करो उन्होंने ये मतलब बयान किया इस आयत का और फिर कहने लगे जो इससे मना करते हैं वो ालिम है आयत का मतलब अच्छे तरीके से समझें यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र को बयान किया है बुलंद आवाज़ से जिक्र को नहीं बयान किया ये बुलंद आवाज से ज़िक्र करना किस आयत का या किस लफ्ज का तर्जुमा है इस आयत से ज़रा निकाल के दिखाएं एक होता है नफ़िक और एक होता है शोर डालना दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है नफसे जिक्र में कोई इख्तलाफ नहीं आप मस्जिद में आए जिक्र में मशगूल हो जाए इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं लेकिन बुलंद आवाज से आप जिक्र करें जिससे किसी नमाजी को किसी तिलावत करने वाले को या किसी सोए हुए को तकलीफ पहुँचे या कुरान करीम की तिलावत करने में ख़ल आता हो तो ये जिक्र करना हराम है मस्जिदों में बुलंद आवाज़ से जिक्र करने के मुतालिक फुकाहा ने बड़ी वजाहत के साथ बात लिखी है मसाजि वलो बेजिकराम आवाज़ों का मसाजिद में बुलंद करना अगरचे वो अल्लाह के, के लिए क्यों ना हो ये हराम है ग्यारहवीं सदी के अली क़ारी नवर अल्लाह मरक़द गुजरे हैं मिशकात के शारे हैं मरक़ किताब लिखी है फरमाते हैं रफ और मसाजिदी सऊती फिल्मिद विक्र हराम मस्जिद में बुलंद आवाज से जिक्र करना हराम है नफसे जिक्र से कोई मना नहीं करता मसाजिद में आने का मकसूद ही अल्लाह की याद है लेकिन बुलंद आवाज से करना ये बात समझ में नहीं आती जिक्र के अंदर अल्लाह की याद के अंदर असल चीज इखफा है खामोशी के साथ आप अल्लाह का जिक्र करें अल्लाह को याद करें हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह का जिक्र हर वक्त इस तरह करो कि देखने वाले कहें दीवाना हो गया है ये बात बिल्कुल ठीक है अहादीस में ये बात मजकूर है लेकिन बात यह है कि बुलंद आवाज़ से जिक्र करने के बारे में ये ये रिवायत आप पेश कर सकते हैं आदि यानाउल्ला पानीपति अल्लाह मरकद ने तफसीर मजहरी में ये बात लिखी कि, कि मस्जिद में अगर एक भी नमाजी हो तो बुलंदवास से कुरान करीम पढ़ना भी जायज़ नहीं तो दूसरे बुलंद आवाज से करने की कैसे इजाज़त मिल सकती है और मसाजिद में शोर डालना वैसे भी मसाजिद के आदाब के खिलाफ है मस्जिद के अदब को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है नबी करीम अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में मदीना मुनवरा मस्जिद नबी में मौजूद है एक शख्स आया उसने नमाज़ पढ़ने के बाद आवाज़ से इन अल्फ़ाज के साथ दुआ की अल्लाहनी व महमदन सल्ह वसम वमानादन अब रिवायात में ये अल्फाज आते हैं इसकी वजह ये इस इसलिए आते हैं ना कि किसी ने ये अल्फाज सुने अल्लाह मुझ पर रहमत नाजिल फ़रमा व महमदन सल्ह वसम और मोहम्मद सल्ला वसल्लम पर भी राहमत नाजिल फ़रमा वाला तहम माना आदन और इसके अलावा किसी के ऊपर राहमत ना नाजिल करना नबी करीम सल्हुस ने उसे बुलाया फरमाया लकत तजर त तूने अल्लाह की राहमत को तंग कर दिया अल्लाह की राहमत तो वसीत कुल्लाश हर चीज़ के ऊपर वसअत रखती है तूने कह दिया कि भाई अल्लाह किसी और पर राहमत ना नाजिल करना ऐसा करना जायज़ नहीं है ये बात न कहो अभी ये बातें कर ही रहे थे उस आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया बद्दू आदमी था देहात से आया था नबी करीम वसल्लम के सहाबा उसे रोकने के लिए दौड़े अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया क्या तो इसलिए मना फरमाया कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो बेचारा देहाती है पता नहीं है इसको ऐसे खाम खा कोई नुकसान ना पहुंचा दे या फिर इसलिए मना किया कि तुम रोकोगे वो दौड़ेगा गंदगी फैलेगी पहले, पहले एक जगह नापाक हो रही है फिर पूरी मस्जिद नापाक हो जाएगी और भी इसकी कई वजूहत थी लेकिन जब वो फ़ारग हो गया तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर फरमाया कि ये मसाजिद नमाज के लिए हैं कुरान करीम की तिलावत के लिए हैं अल्लाह के जिक्र के लिए हैं इस कार्रवाई के लिए नहीं है जो तूने अभी की है तो इससे ये बात समझ में आती है कि मसाजिद का अदब और अहतराम करना ये बहुत अहम <coughs> चीज़ है बहुत बुनियादी चीज़ है मुसनफ़ अब्दुल रजाक में एक हदीस से पाक है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जन्बू मसाजिद कुम मजानी नुम जन्बो मसाजिद कुम मजानी नुम मस्जिदों में पागलों को दाखिल न होने दो मस्जिदों में पागलों को दाखिल न होने दो क्योंकि वो पेशाब कर देंगे थूक देंगे कोई ऐसी हरकत कर देंगे जो अदब के ख़िलाफ़ होगी इसी तरह वहाँ अल्फाज ये भी आते हैं सिब नकुम ऐसे छोटे बच्चे जिनको किसी किस्म की तमीज़ नहीं बहुत छोटे हैं जो उनको मसाजिद में ना आने दो वो ऐसी हरकत करेंगे जिससे मस्जिद की बेहरमत ही होगी बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए लेकिन इतने छोटे बच्चों को नहीं लाना चाहिए कि जो बच्चे किसी भी किस्म की पाकी और नापाकी का फ़र्क नहीं जान सकते या वो किसी भी किस्म की बात को समझने की या सुनने की सलाहियत नहीं रखते लेकिन इसी से मिलती जुलती बात मैं और भी अर्ज़ करता हूँ हमारे यहाँ ख़वातीन भेजती हैं जाओ भी जाओ बच्चों को बाहर ले जाओ ऐसे ना करें जब मर्द मस्जिद में नमाज़ के लिए जा रहा हो तो उस मर्द को मजबूर ना करें कि वो छोटे बच्चे को साथ लेकर जाए बच्चों को नमाज का तरीका समझाना है तो इसके लिए घर भी मौजूद हैं घरों के अंदर भी नमाज़ का अहतमाम करके बच्चों को नमाज का तरीका समझाया जा सकता है इबादत करके दिखलाया जा सकता है इतने छोटे बच्चों को मसाजिद में भेजने की ज़िद नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर मस्जिद में बच्चा मौजूद हो और वो वहाँ पे कोई शरारत कर रहा हो तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए बाज़ मर्द हज़रा ऐसे होते हैं मेरी गुफ्तु जब वो मर्द बाद में सुनेंगे तो ये उनके लिए भी पैगाम है कि वो बच्चों को इस अंदाज़ में मना ना किया करें कि बच्चा मस्जिद में दोबारा आने से घबराए ये हमारे मर्दों के अंदर बहुत बड़ी खामी पाई जाती है कि वो बच्चों को इस अंदाज में मस्जिद में उनके साथ इस किस्म का मामला करते हैं कि बच्चे कहते हैं भाई जाओ मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं ऐसे ना करें प्यार और मोहब्बत में वहाँ बात समझाएँ अगर वो बात समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है न समझे तो आप छोड़ दें वो उनका और अल्लाह का मामला है वो वैसे ही गुनाहों से पाक होते हैं अगर वो कोई मामला मस्जिद में कर भी दें तो उसको बखुशी बच्चों की शफकत में आकर कबूल कर लेना चाहिए लेकिन जिनके बच्चे हों उनको साथ साथ समझाना भी चाहिए अपने बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम हर एक यानी खवीन अपनी जिम्मेदारी मर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी करेंगे तो ये जो माशरे में आज हमारे यहाँ खिंचाव की कैफियत बनी हुई है ये पैदा नहीं होगी समझ में आ गई बात मसाजिद का बाहर हाल अहतराम जरूरी है हदी पाक में तो यहाँ तक आता है अगर कोई शख़्स जमात में शामिल होना चाहता है तो लाता व अन तुम तसाउन दौड़ कर नमाज में भी शरीक ना हो आलई कम सकीनत और वक़ार के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल कर आओ फमा तुम फसलु जो तुम रक़ात पालो उसे अदा कर लो वमा फ़ातः तुम जो रकत इमाम के साथ तुम्हें नहीं मिल सकी उनको बाद में पढ़ लो लेकिन मसाजिद में तेज तेज़ चलना दौड़ना मस्जिद के तकदस को पामाल करना ये जायज़ नहीं है ये बहुत बड़ा गुना है बच्चों की छोटी सी हरकत आज हमारे मर्दों से बर्दाश्त नहीं होती लेकिन ख़ुद मसाजिद की ऐसी ऐसी तोहने करते हैं उनको तो चलो गुना भी नहीं होगा तुम्हारे ज़िम्मे जो गुना अल्लाह ने लिखने हैं तुम उनकी तोबा भी शायद ना कर सको इतनी बुलंद आवाज़ से मस्जिदों के अंदर लोग गुफ्तगू करते हैं कि डर और खौफ महसूस होने लगता है कि इन लोगों को कोई तमीज़ और अकल नहीं है कोई बच्चा शोर करे तो सारे उसके ऊपर आके चढ़ते हैं लेकिन जिनकी उम्रें इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और एक ज़माना उनको मसाजिद में आते हुए हो चुका है उनको कोई फहम कोई शौर नहीं है वो हर किस्म के शौर से मुबर्रा और आज़ाद हैं ऐसा नहीं है हर एक की ज़िम्मेदारी है जो मस्जिद में आता है वो शकीनत और वक़ार के साथ आए मस्जिद की बेहरमती ना करे बहुत बड़ा गुनाह है खैर आगे देखें मा नन सख्मन आयतिन इसकी तफसीर आप पहले पढ़ चुके हैं कुछ अहकाम मनसूख होते हैं और उन अहकाम के बदले में अल्लाह ताला उसी तरह के अहकाम लेकर आते हैं या उससे बेहतर लेकर आते हैं उनकाम में एक तहवील कबिला का मसला भी है नबी करीम सल्लल्लाहु सल वम जब मदीना मनवरा तशरीफ़ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु सल वम ने तकरीबन सोलह सत्रह महीने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज़ें पढ़ी हैं मस्जिद नबी से तकरीबा एक मील दूर कबीला बन उसलमा जो बहुत मशहूर कबीला था एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे जिसको आज मस्जिद क़िबलातैन भी कहा जाता है वहाँ दो क़िबले मौजूद भी हैं एक की निशानदेही है दूसरा बाकी सराहतान मौजूद है न नमाज़ की हालत में तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ दो रकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा चुके थे दो रकतें बाकी थी तो बकिया दो रकतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्लह की तरफ चेहरा मुबारक कर लिया अब यहूदियों को एतराज़ का मौका मिल गया कहने लगे इसका भी कोई एतबार है ऐसे लोगों का भी कोई एतबार है जिनका रोजाना किबला ही तब्दील होता रहता है तो इस पर अल्लाह ताला ने यह बात इरशाद फरमाई वलिलाब अल्लाह ही के लिए है मशरक और मगरब हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंदें मशरक हो या मगरब हो कबला इस जानब है या इस जानब है इधर मुँह करके खड़ा होना है या इधर मुँह करके खड़ा होना है हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं वो हमें ऊपर को मुँह करने का कह दे तो ऊपर को भी करेंगे फई नमा तो वल्लु जिस जानब भी तुम रुख फेरोगे फसम्ला वहीं अल्लाह की रज़ा है इन वासम बेशक अल्लाह वसत वाला भी है सब कुछ जानने वाला भी है अल्लाह ताली ने पिछली आयात में तीन तबक़ों का तस्करा किया ना यहूद का नसारा का मशरकिन का अब अल्लाह तै उन्हीं के बारे में दोबारा फ़रमाने लगे हैं वकाल वदा और उन्होंने अल्लाह के लिए औलाद को बना दिया वकालत यहूद उजैर नबन लल्ला यहूदियों ने कहा उज़ैराम अल्लाह के बेटे हैं वकालत नसारा मसीह अबनल ईसाइयों ने कहा कि ईसा सलाम अल्लाह के बेटे हैं और मुशरिकों ने क्या कहा वज आलू बनात उन्होंने अल्लाह की बेटियां बना दी पहले दो तबक़ात ने तो बेटे बनाए ये ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते अल्लाह के लिए बेटियां बना दी सुबहाना पाक है अल्लाह की ज़ात बेटों से बेटियों से बीवी से माँ से बाप से हर उस चीज़ से जो अल्लाह की शान के लायक नहीं बल्लहु माफिस इस समावती वलअर्ज़ बल्कि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है कुल लहु कानितून सब उसी के फरमा बरदार हैं फरिश्ते भी अल्लाह के फरमा बरदार हैं भी अल्लाह के फरमा बरदार थे हजरत ईसा सलाम भी अल्लाह के फर्मा बरदार हैं दोबारा आएँगे तो भी फर्मा बरदारी ही से आएँगे ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम की तमाम चीज़ों से मुबर्रा और आज़ाद हैं बदी अर्ज। और समावाती वाती अर्ज़ बग़ैर नमूने के अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया बग़ैर नमूने के अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया बदी है। बिदत का लफ्ज़ भी इसी बाप से निकला है लफ्ज़ बदी से बिदत का माना होता है नई एजाद करदा चीज़ नई एजाद करदा चीज़ अगर वो दीन में से हो यानी मन घड़त किस्म की चीज़ को आप दीन बना दें ये बहुत बड़ा गुना है बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई मन अहद सफ़ी अमरीना हाजा माल समुरा जिसने दीन में कोई नई चीज़ बनाई जिसने दीन में कोई नई चीज़ बनाई वो मरदूत शुमार होगी उसका बहुत बड़ा गुनाह है बाकी ये दुनिया की जो नौ एजादात हैं नई एजादा जितनी भी हैं वो शराब बिदत नहीं कहलाती लुघवी तौर पर आप उसको बिदत कह सकते हैं लेकिन वो ऐसी बिदत नहीं है कि जिसके बारे में अहादीस में तस्करा मौजूद है बास जाहिल किस्म के लोग कहते हैं कि भाई देखो तुम हमें बिदत ही कहते हो तो तुम्हारी मस्जिदों में पंखे नहीं लगे हुए ए नहीं लगे हुए स्पीकर नहीं लगे हुए तुम घड़ियाँ नहीं पहनते तुम मैंने नहीं इस्तेमाल करते टूटियों से वजू नहीं करते तुम गाड़ियों और जहाजों में नहीं बैठते तो ये भी तो सारी नई ऐद आता है ना तो यह भी तो बिदत है ना यह जाहिलाना किस्म का एतराज़ है इसलिए कि इन चीज़ों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है इनको कोई भी दीन समझ कर इख्तियार नहीं करता शराब बिदत वो कहलाती है जिसको दीन समझ कर किया जाए क्योंकि अल्फाज नबूबत मौजूद है मन अहदसा फी अमरीना जिसने नई चीज घड़ी हमारे इस दीन के मामले में मा लेसा मिनहू जो दीन नहीं थी अपने दीन बना दिया फहू और तो वो मरदूद है उसे सवाब की नीयत के साथ आप करने लगे दीन समझ कर आप उस चीज को करने लगे तो ये चीज बिदत कहलाती है तो लुगवी बिदत में और शराई बिदत में फर्क भी आना चाहिए ये बहुत ज़रूरी चीज है और फिर ये बात भी याद रखें एक शराई बिदत का गुना सौ कबीरा गुनाहों से भी ज्यादा है एक शराई बिदत का गुना जिसे वाक़ता दीन की बिदत कह सकते हैं आप उसका गुना सौ कबीरा गुना भी मिल जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि मैं अगर मिसाल समझाना चाहूं तो आप यूं समझें कि मस्जिद के मेहराब में सौ बोतलें शराब पीने का इतना गुना नहीं जितना दीन में एक बिदत करने का गुना है सौ दफा जिना करने का इतना गुना नहीं जितना एक बिदत का गुना है इसलिए कि है कबीरा से दीन का नक्शा नहीं बदलता वो करने वाला अपने आप को गुनाहार समझता है और उस काम को भी गुना समझता है लेकिन बिदत से दीन का नक्शा बदल जाता है दीन का होलिया बिगड़ जाता है और वो लोग उस बिदत वाले काम को दीन समझकर सवाब समझकर कर रहे होते हैं तो कल को वही चीज़ दीन बन जाती है दीन का नक्शा बदल जाता है और नक्शों के ऊपर ही लड़ाइयाँ होती हैं ये बात जेहन में रखें एक कहता है ये मेरा हिस्सा है दूसरा कहता है ये मेरा हिस्सा है ये ममलिकत मेरी है वो कहता है ये ममलिकत मेरी है होता है कि नहीं होता तो बिदत को लोग मामूली समझते हैं हालांकि शिरक के बाद बिदत सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन तद हजा बतोबला साहिब आतन बिदती को अल्लाह ताला कभी भी तोबा की तोफीक नहीं देते बिदती के ऊपर से तोबा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है तोबा की तोफीक नहीं मिलती बिदत से दिल स्याह हो जाता है इसलिए अपने आप को बिदास से बचाएं। बिदास से बचाएं। खैर अल्लाह ताला की शान ये है जो इन आयात में अल्लाह ने तस्करा फरमाई फ़ इज़ा व इज़ा कज़ा अमरन जब वो फ़ैसला करता है किसी मामले का फ़िन नमा तो यकीनी बात ये है यक़ूलहूकन वो सिर्फ़ इतना कहता है कि हो जा फ़यन तो वो चीज़ हो जाती है वो किसी चीज़ के बनाने के लिए बेटा बेटी का मोहताज नहीं है उसको किसी किस्म के साजो सामान की ज़रूरत नहीं है कलमा कुन से उसके इरादे से चीज़ पैदा होती है इसलिए अल्लाह ताला को इन चीजों की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला इन चीजों से पाक हैं मुबर्रा और आज़ाद हैं अल्लाह ताला हमें सही अकीदा रखने की तोफी का ता फ़रमाए अल्लाह ताला हमें बुरे अकीदों से महफूज फरमाए अल्लाह ताली हमें क़रन करीम की सही मानों में तफसर समझने की और फिर कुरान करीब में अल्ला ने जो बातें बयान की हैं उनको अपनी जिंदगियों में लाने की तोफी अता फरमाए व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबीम